नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। एक सर्वर ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी परेशानी क्या आई, हमारे देश भारत समेत कई देशों में हवाई सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो गई। दुनिया भर में सैकड़ों फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा, हजारों फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। और इतना ही नहीं, बैंक, हॉस्पिटल, शेयर बाजार ठप हो गए। सिविल एविएशन एक्सपर्ट साइबर टेरर की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की ओर से ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया जा रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर और एक्सपर्ट्स इस ग्लोबल मुसीबत का समाधान निकालने में जुट गए। जब हम कंप्यूटर के माउस को क्लिक करते ही पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं, जब दुनिया भर के ज्यादातर काम सर्वर के भरोसे हो रहे हैं, तो ऐसे में सर्वर की तकनीक में दिक्कत आ जाए तो दुनिया थम सी जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में टेक्निकल प्रॉब्लम आने के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। आज कई देशों में सर्वर की वजह से एयरलाइंस ठप हो गई, टीवी प्रसारण रुक गया, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों का कामकाज भी रोकना पड़ा। देखिए लंदन में सर्वर में दिक्कत के बाद क्या हालात बने। माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटरेज, जिसकी वजह से यहाँ जहाँ मैं हूँ हीथ्रो एयरपोर्ट, इसी तरह जीपी सर्जरीज और बैंक्स और टीवी स्टेशंस में जिस वजह से डिस्रप्शन आया और उनके कामकाज में रुकावट आई है, वो किसी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट या फिर साइबर अटैक का नतीजा नहीं है, बल्कि अपडेट में बग आ जाने की वजह से हुआ है। और क्राउड स्ट्राइक जो इस पूरी सिचुएशन से डील कर रही है साइबर सिक्योरिटी फर्म, उसका यह कहना है कि उन्होंने एक फिक्स डिप्लॉय कर दिया है और ये सिचुएशन जल्द ही काबू में आ जानी चाहिए। लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट पे जिन लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं तो हो ही गई, जिन लोगों को रुकने के लिए यहाँ कहा गया है उनकी डिले हुई है। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी साइबर सुरक्षा में सेंध को गंभीर मसला बता रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साइबर टेरर की आशंका भी जताई। देखिए, पूरी दुनिया भर को ये प्रभावित कर रहा है, भारत इसमें अकेला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में हर वो सेक्टर जो डिजिटल फॉर्मेट, जो कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह के प्रकरण से इम्पैक्टेड है। ये ना केवल साइबर सुरक्षा में सेंध का एक प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं साइबर टेरर के साथ भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। और इस तमाम सारे मामले को तफ्तीश करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है सर्विस प्रोवाइडर्स की कि साहब, इस तरह की घटना घटित होने से पहले आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की घटना घटित ना हो सके। मुंबई एयरपोर्ट पर भी यात्री फ्लाइट रद्द होने से या देरी से चलने की वजह से परेशान दिखे। देखिए मुंबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल। पहला जो इनर जो एरिया है वहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं दिखाया जा रहा है कि कौन सा फ्लाइट कितने बजे, जो अंदर का जो बोर्डिंग पॉइंट है वहाँ बताया जा रहा है कि ये फ्लाइट रद्द है। तो वहाँ पे मैंने जब पॉइंट ये किया कि रद्द है, तो फिर मैं बताया इंडिगो वाले से, तो बोला रद्द है और आपको आपका ये किया जाएगा, एक पर्ची दे दी गई और यहाँ पर बोले आप इंक्वायरी कीजिए। इंक्वायरी करने आए तो मुझे ऐसे 200-300 लोग जो सुबह से परेशानी में बैठे। एक्टर अर्जुन रामपाल भी मुंबई एयरपोर्ट पर फंस गए, जिसके बाद उन्होंने दूसरी फ्लाइट ली। बहुत पैसेंजर्स है, पता नहीं इनके सर्विस डाउन है, सो आई डोंट नो। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी एक टिकट है दूसरे एयरलाइन पे, आई हैव टू गो अर्लियर। क्या वहाँ पे वो है कंफर्म या फिर वो भी वहाँ पे? हाँ, वहाँ पर कंफर्म टिकट है। थैंक। तकनीक पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बाद देश और दुनिया की तमाम एयरलाइंस को मैनुअल सिस्टम पर आना पड़ा। इंडिगो और एयर इंडिया के यात्रियों को हाथ से लिखा बोर्डिंग पास देना पड़ा। एविएशन एक्सपर्ट भी अचानक आई इस तकनीकी दिक्कत से हैरान दिखे। इतने ज्यादा हम डिपेंडेंट हो रहे हैं कंप्यूटर्स पे और सिस्टम्स के ऊपर कि ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ये हमने किसी ने नहीं सोचा था। आज सुबह से हमारे दफ्तर में भी क्योस है, लोग वेट कर रहे हैं, टिकटें लेनी है, किसी के घर में मौत हुई है उसने जाना है, कोई बीमार को देखने जा रहा है। तो एक एविएशन जो है एक एसेंशियल सर्विसेज हो गई हैं। और मेरी एडवाइस यही है सबको कि आप जब भी टिकट करें, कई लोग अब सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही सारा कुछ रखते हैं, मेरी एडवाइस ये है प्रिंट आउट लेके रखें। भारत समेत दुनिया भर में एयरपोर्ट पर चेक इन और टिकट बुकिंग में दिक्कत आ रही है। हालांकि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में अब चेक इन करने में स्थिति सामान्य होती दिख रही है, लेकिन फ्लाइट्स या तो लेट हैं या कैंसिल की जा रही है।
जो कैओस दिल्ली एयरपोर्ट पे सुबह और दोपहर में देखा जा रहा था उस पर अब नियंत्रण पा लिया गया है और जो लंबी लंबी कतारों में लोगों को खड़ा होना पड़ रहा था वो कतारें अब बहुत छोटी हो चुकी हैं। इसका कारण यही है कि जो मैलफंक्शन था वो धीरे धीरे करके उसको नियंत्रण में लेके आ रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज की दिक्कत है, जो लोग बोर्डिंग पासेस खुद से करना चाह रहे थे कि वो लोग अंदर जाने से पहले बोर्डिंग पास को अपने हाथ में ले लें, बोर्डिंग पास इस समय प्रिंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके अलावा जितने भी बोर्ड्स हैं जो पहले काम नहीं कर रहे थे उन सारे बोर्ड्स पे इन्फॉर्मेशन आने लगी है और जो कतारें थी, जो लंबी लंबी कतारें अब से कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही थी वो अब यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, जिसका मतलब है कि चीजों को काफी हद तक नियंत्रण में लेके आया जा चुका है। भारत में 5 एयरलाइंस इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा एयरलाइंस, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस को इस तकनीकी समस्या से जूझना पड़ा। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कुछ यूजर्स को अपने लैपटॉप पर नीली स्क्रीन दिखाई दे रही है, इससे उनके सिस्टम अपने आप ही रीस्टार्ट या शटडाउन हो गया। पूरे विश्व में माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज डाउन होने के कारण सभी सेवाएं में दिक्कतें आ रही है। हमारे देश में भी हमारे एयरलाइंस सर्विसेज जो उसमें ग्राउंड ऑपरेशंस भी ब्रेक हुए हैं, लेकिन मैन्युअली अभी उस पर काम चल रहा है। DGCA और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने सभी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको अवगत कर दिया कि आप सभी यात्रियों को इसकी सूचनाएं दें, इससे अवगत करें। डेल टेक्नोलॉजीज ने कहा कि ये समस्या हालिया क्राउड स्ट्राइक अपडेट की वजह से हुई है। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है। क्राउड स्ट्राइक के अपडेट की वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई है। माइक्रोसॉफ्ट का बयान आया है जिसमें उसने कहा, हमें समस्या की जानकारी है और हमने कई टीमों को इसे सुलझाने में लगा है, हमने इसके कारण का पता लगा लिया है। वैसे तो तकनीक के लाखों फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी, लेकिन आज साइबर संकट ने पूरी दुनिया को एक साथ बैकफुट पर ला दिया। दुनिया में ऐसे मौके बहुत कम ही आए हैं जब एक साथ इतने देशों के लोग किसी एक समस्या से प्रभावित हों। देखना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपर्ट कितनी जल्दी इस समस्या का समाधान निकाल पाते हैं। लंदन से लवीना टंडन, दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में परेशानी क्यों आई, इसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आई समस्या जिम्मेदार है और ये समस्या BSOD के कारण से आई है। BSOD यानी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। विंडोज सिस्टम में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गया और उसके बाद ये समस्या आ गई। ये परेशानी क्राउड स्ट्राइक में लेटेस्ट अपडेट से आई है। ये अगला आप देखेंगे, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के बाद हम जो पॉइंट बता रहे हैं, क्राउड स्ट्राइक में लेटेस्ट अपडेट के कारण ये समस्या। इसके अलावा एक और है, ब्लू स्क्रीन पर एरर को स्टॉप कोड से भी जाना जाता है, यानी कि कहते हैं विंडोज में बड़ी परेशानी होने पर ऐसा होता है और अचानक से सिस्टम शटडाउन हो जाता है या रीस्टार्ट हो जाता है। मतलब यह हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से पिछले 7.5 घंटे से दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की कई सारी सर्विसेज लगभग बैठ गई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, स्पेन, सिंगापुर, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग समेत कई देशों में इस समय माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी के कारण लोग परेशान हैं। एयरपोर्ट पर चेक इन, फ्लाइट बुकिंग्स में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बोर्डिंग पास जो ले रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं, वो हाथ से लिखे हुए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं। भारत में IT मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी कर दी और कहा है कि साइबर संकट पर हम नजर बनाए हुए हैं, कोशिश ये है कि भारत में हमारे देश में लोगों को कम से कम असुविधा हो। ये जो हमारे ये जो आज के इस ग्लोबल डिजिटल फ्रेमवर्क में एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर हम डेटा सेंटर्स रखते हैं और डेटा सेंटर्स के ऊपर क्लाउड होता है और क्लाउड में ये एप्लीकेशन रहते हैं। तो ये आप इसमें ये जो डिस्रप्शन हुआ है, एप्लीकेशन का टेक्निकल ग्लिच रहा है या क्लाउड का रहा है या डेटा सेंटर्स का रहा है या उनके इंटरनेट कनेक्टिविटी का रहा है, ये वही बता सकते हैं। एक सर्वर में आई तकनीकी खामी ने दुनिया के कई देशों को परेशान कर दिया।
पूरी दुनिया में सर्वर से आई दिक्कतों की वजह से अरबों रुपए के नुकसान का अनुमान है। भारत में भी सभी एयरपोर्ट पर यात्रियों को चेक इन करने और फ्लाइट लेट होने से दिक्कत आई। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, स्पेन, सिंगापुर, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग समेत कई देशों में करोड़ों लोग माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी की वजह से जूझ रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी लगातार साइबर संकट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पहली कोशिश है कि यात्रियों को असुविधा न हो। बीजेपी सांसद और पायलट राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि वाकई ये बहुत बड़ा तकनीकी संकट है, लेकिन इससे हवाई यात्रियों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विमान की सेवाओं को प्रभावित करेगा, लेकिन विमान की उड़ान को कतई प्रभावित नहीं करेगा। दुनिया भर के डेटा एक दूसरे से संवाद करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर माना जाता है। और विशेष करके एयरलाइंस बैकअप के लिए आज पूरे दुनिया में लगभग 225 करोड़ पैसेंजर आसमान में जाते हैं, और ये 225 पैसेंजर यानी कि लगभग 2.5 करोड़ डिपार्चर्स, और उनकी बुकिंग करना, उनको चेक इन करना, उस फ्लाइट प्लानिंग करना, उसके लॉजिस्टिक्स करना, ये सब कुछ कंप्यूटर द्वारा होता है। और अगर वर्ल्ड सर्वर कोलैप्स कर जाए तो स्वाभाविक तौर से जितना भी बैकअप है इन फ्लाइट सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए, वो कोलैप्स कर जाता है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।